शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त है, दाना है, जो गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला है, साहिब करम है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, तो इन लोगों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखे में न डाल दे। इनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद और उम्मतों ने भी पैगंबरों की तकजीब की, और हर उम्मत ने अपने पैगंबर के बारे में यही कस्द किया कि उसको पकड़ लें और बेहुदा शुभात से झगड़ते रहे कि उससे हक को जायल कर दें, तो मैंने उनको पकड़ लिया, सो देख लो मेरा अजाब कैसा हुआ। और इसी तरह काफिरों के बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो चुकी है कि वो अहले दोजख हैं। जो लोग अर्श को उठाए हुए और जो उसके गिरदा गिर्द हल्का बांधे हुए हैं यानी फरिश्ते, वो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को समोए हुए है, तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रस्ते पर चले उनको बख्श दे और दोजख के अजाब से बचा ले। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो जो उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है, और उनको बुरी हालतों से बचाए रखियो। और जिसको तू उस रोज बुरी हालतों से बचा लेगा तो तूने बेशक उस पर मेहरबानी फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे तो अल्लाह इससे कहीं ज्यादा बेजार होता था जिस कदर तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमको दो दफा बेजान किया और दो दफा जान बख्शी, हमको अपने गुनाहों का इकरार है, तो क्या निकलने की कोई सबील है? ये इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो मान लेते थे। सो हुक्म तो अल्लाह ही का है, जो बुलंद बाला है, बड़ा है। वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिज्क उतारता है, और नसीहत तो वही हासिल करता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो, अगरचे काफिर बुरा ही माने। वो मालिक दराजात आली और साहिब अर्श है। अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म से वही भेजता है ताकि मुलाकात के दिन से डराए। जिस रोज वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से मख्फी न रहेगी। सवाल होगा, आज किसकी हुकूमत है? जवाब मिलेगा, अल्लाह की, जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। आज के दिन हर शख्स को उसके आमाल का बदला दिया जाएगा। आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होगी। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और उनको करीब आने वाले दिन से डराओ जबकि दिल गम से भरकर गलों तक आ रहे होंगे। जालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा और न कोई सिफारिशी जिसकी बात कबूल की जाए। वो आंखों की खयानत को जानता है और जो बातें सीनों में पोशीदा हैं उनको भी, और अल्लाह सच्चाई के साथ फैसला फरमाता है, और जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। क्या इन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? वो इनसे जोर और जमीन में निशानात बनाने के लिहाज से कहीं बढ़कर थे, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया, और उनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला न था। यह इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली दलीलें लाते थे तो वो कुफ्र करते थे, सो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। बेशक वो साहिब कुव्वत है, सख्त अजाब देने वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां और दलीलें रोशन देकर भेजा यानी फिरौन और हामान और कारून की तरफ, तो उन लोगों ने कहा कि यह तो जादूगर है, झूठा। गरज जब वो उनके पास हमारी तरफ से हक लेकर पहुंचे तो वो कहने लगे कि जो लोग इसके साथ अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनके बेटों को कत्ल कर दो और बेटियों को जिंदा रहने दो। और काफिरों की तदबीरें बेठिकाने होती हैं। और फिरौन बोला कि मुझे छोड़ो कि मूसा को कत्ल कर दूं और वो अपने परवरदिगार को बुला ले, मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हारे दीन को न बदल दे।
या मुल्क में फसाद न पैदा कर दे। और मूसा ने कहा कि मैं हर मुतकब्बिर से जो हिसाब के दिन यानी कयामत पर ईमान नहीं लाता अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूं। और फिरौन के लोगों में से एक मोमिन शख्स जो अपने ईमान को पोशीदा रखता था कहने लगा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियां भी लेकर आया है, और अगर वो झूठा होगा तो उसके झूठ का जरर उसी को होगा, और अगर सच्चा होगा तो कोई सा अजाब जिसका वो तुमसे वादा करता है तुम पर वाकई होकर रहेगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने वाला है, बड़ा झूठा है। ऐ कौम, आज तुम्हारी ही हुकूमत है और तुम ही मुल्क में गालिब हो, लेकिन अगर हम पर अल्लाह का अजाब आ गया तो उसके दूर करने के लिए हमारी मदद कौन करेगा। फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें वही बात सुझाता हूं जो मुझे सूझी है और वही राह बताता हूं जिसमें भलाई है। तो जो मोमिन था वो कहने लगा कि ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत खौफ है कि तुम पर दूसरी उम्मतों की तरह के दिन का अजाब आ जाए, जैसे नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग उनके बाद आए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल ना हो जाए, और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। और ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत पुकार के दिन यानी रोजे कयामत का खौफ है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर कयामत के मैदान से भागोगे उस दिन तुमको कोई अजाब इलाही से बचाने वाला ना होगा, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास खुली बातें लेकर आए थे तो जो वो लाए थे उसकी तरफ से तुम बराबर शक ही में रहे, यहां तक कि जब वो वफात पा गए तो तुम कहने लगे कि अल्लाह उनके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को गुमराह रहने देता है जो हद से निकल जाने वाला शक करने वाला हो। जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नजदीक और मोमिनों के नजदीक झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। और फिरौन ने कहा कि हामान, मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी आसमान के रस्तों पर, फिर मूसा के माबूद को झांक कर देख लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और इसी तरह फिरौन को उसके आमाल बद अच्छे मालूम होते थे और वो रस्ते से रोक दिया गया था, और फिरौन की तदबीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की चीज है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेहिसाब रिस्क मिलेगा। और ऐ कौम, मेरा क्या हाल है कि मैं तो तुमको नजात की तरफ बुलाता हूं और तुम मुझे दोजख की आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और उस चीज को उसका शरीक मुकर्रर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं, और मैं तुमको इज्जत और इख्तदार वाले बख्शने वाले माबूद की तरफ बुलाता हूं। सच तो यह है कि जिस चीज की तरफ तुम मुझे बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने का कोई फायदा नहीं, और हमको अल्लाह की तरफ लौटना है, और हद से निकल जाने वाले ही दोजखी हैं। जो बात मैं तुमसे कहता हूं तुम उसे आगे चलकर याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, बेशक अल्लाह बंदों को देखने वाला है। गरज अल्लाह ने उसको उन लोगों की तदबीरों की बुराइयों से महफूज रखा और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा, यानी आतश जहन्नम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं, और जिस रोज कयामत बरपा होगी हुक्म होगा कि फिरौन वालों को सख्त अजाब में दाखिल करो, और जब वो दोजख में झगड़ेंगे तो गरीब लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम दोजख के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो। बड़े आदमी कहेंगे कि तुम भी और हम भी सब दोजख में हैं, अल्लाह बंदों में फैसला कर चुका है, और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोजख के दारोगों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से पुकार कर कहो कि वो एक रोज तो हमसे थोड़ा सा अजाब हल्का कर दे। वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर निशानियां लेकर नहीं आए थे। दोजखी कहेंगे क्यों नहीं, तो वो कहेंगे कि तुम ही पुकार लो।
और काफिरों की पुकार उस रोज बेकार होगी। हम अपने पैगंबरों की और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी दुनिया की जिंदगी में भी मदद करते हैं और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी कयामत को भी। जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत कुछ फायदा न देगी और उनके लिए लानत और उनके लिए बुरा घर है। और हमने मूसा को हिदायत की किताब दी और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया, जो अक्ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। लिहाजा सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपनी कोताही के लिए मुआफी मांगो और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। जो लोग बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, उनके दिलों में और कुछ नहीं, ऐसी बड़ाई है जिसको वो पहुंचने वाले नहीं। तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। आसमानों और जमीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने की निस्बत बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, और न ईमान लाने वाले नेकूकार और न बदकार बराबर हैं। हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते हो। कयामत तो आने वाली है, उसके आने में कुछ शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राए तकब्बुर कतराते हैं, अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो, और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, जो हर चीज का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां से भटकाए जाते हो? इसी तरह वो लोग भटकाए जाते थे जो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे। अल्लाह ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई, और तुम्हें पाकीजा चीजें खाने को दी। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, सो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही बाबरकत है। वही जिंदा जावेद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ऐ नबी, कह दो कि मुझे इस बात की ममानियत की गई है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करो, और मैं उनकी परस्तिश कैसे करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं, और मुझको हुक्म यह हुआ है कि परवरदिगारे आलम ही का फर्मा बरदार रहूं। वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालता है, फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है, और आखिर तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुंच जाते हो, और ताकि तुम समझो। वही तो है जो जिंदगी और मौत देता है, फिर जब वो कोई काम करना यानी किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं? ये कहां से फेरे जाती हैं? जिन लोगों ने हमारी किताब को और जो कुछ हमने पैगंबरों को देकर भेजा उसको झुठलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे, जबकि उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी, वो घसीटे जाएंगे यानी खोलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहां हैं जिनको तुम अल्लाह के शरीक बनाते थे यानी गैरुल्लाह। कहेंगे, वो तो हमसे जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह रहने देता है। ये उसका बदला है कि तुम जमीन में नाहक खुश हुआ करते थे और इस वजह से कि इतराया करते थे। अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसी में रहोगे, सो मुतकब्बिरों का क्या बुरा ठिकाना है। तो ऐ पैगंबर, सब्र करो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, फिर अगर हम तुम्हें उस अजाब में से कुछ दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, या हम तुम्हें वफात दे दें, तो बहरहाल इनको तो हमारी ही तरफ लौट कर आना है। और हमने तुमसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान कर दिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बयान नहीं किए। और किसी पैगंबर को इख्तियार न था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया
और तभी अहले बातिल नुकसान में पड़ गए। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि उनमें से बाज पर तुम सवार हो और बाज को तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए उनमें और भी फायदे हैं, और इसलिए भी कि अगर कहीं जाने की तुम्हारे दिलों में ख्वाहिश हो तो उन पर चढ़कर वहां पहुंच जाओ, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो, और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता रहता है, सो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों को न मानोगे? क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ, हालांकि वो इनसे कहीं ज्यादा और ताकतवर और जमीन में निशानात बनाने के एतबार से बहुत बढ़कर थे, तो जो कुछ वो करते थे वो उनके कुछ काम ना आया, और जब उनके पैगंबर उनके पास खुली निशानियां लेकर आए तो जो इल्म अपने ख्याल में उनके पास था उस पर इतराने लगे, और जिस चीज से तमस्खुर किया करते थे उसने उनको आ घेरा। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाए और जिस चीज को हम उसका शरीक बनाते थे उससे मुनकिर हो गए। फिर जब वो हमारा अजाब देख चुके उस वक्त उनके ईमान ने उनको कुछ भी फायदा ना दिया। ये अल्लाह की आदत है जो उसके बंदों के बारे में चली आती है, और वहां काफिर घाटे में रह गए। صدق الله العظيم।